हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रूल वन और रूल टू के हिसाब से कैसे प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल थ्री और रूल फोर के बेसिस पे कैसे प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम रूल थ्री के बेसिस पे क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको इन रूल्स के बारे में नहीं पता है तो ऊपर जाके आई बटन पे क्लिक करें और पहले वो वाला वीडियो देखें, सो दैट यू गेट मच मोर क्लियरिटी अबाउट द कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू, प्रूव करना है वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, तो हम सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। ठीक, अब रूल थ्री के अकॉर्डिंग हम किसी भी एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड। ठीक, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, तो इसको कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हर टर्म ऊपर भी कॉस थीटा से डिवाइड हो जाएगी और नीचे भी हर टर्म कॉस थीटा से डिवाइड हो जाएगी। तो कॉस थीटा से डिवाइड होने पे ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस वन बाय कॉस थीटा। ठीक, अब अगर इसको हम और ज्यादा रिड्यूस करें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये वन हो गया, और वन अपॉन कॉस थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक, सिमिलरली नीचे भी ऐसे ही करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा लिख लेंगे, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और वन अपॉन कॉस थीटा को हम सेक थीटा लिख लेंगे। ठीक, अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन होल अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब इस एक्सप्रेशन में हम वन को रिप्लेस करके सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है और वहां पे हमें पता है वन को अब रिप्लेस करके सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम ऊपर वाली टर्म को चेंज करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो अब वन को सिर्फ हमने एक ही जगह चेंज किया, सिर्फ ऊपर ही करा, नीचे नहीं किया। ये इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी टर्म ऊपर बने जो नीचे वाली टर्म से कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम एक ही टर्म को चेंज करते हैं, दूसरी टर्म को सेम वैसा ही रहने देते हैं जैसी वो है। ठीक, ताकि एक टर्म दूसरे टर्म के जैसा कुछ सिमिलर बने और उसमें से कैंसिल आउट होके वो टर्म और सिंपल हो जाए। तो इस एक्सप्रेशन को फर्दर रिड्यूस करके हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, अब क्योंकि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा था तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अपॉन में वही टर्म हम रिपीट करके लिख लेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर इस पूरी टर्म में अगर हम देखें तो ये एक टर्म कंसिडर कर लो और इधर वाली पूरी एक टर्म कंसिडर कर लो, तो इन दोनों टर्म्स में सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमने कॉमन ले लिया इसमें, तो इधर से बचा वन और यहां से बचा माइनस सेक थीटा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया टेन थीटा होल अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब ये एक टर्म से एक टर्म कैंसिल हो गई, यहां पे भी वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहां पे भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ठीक है, आगे पीछे टर्म्स है लेकिन सेम टर्म्स है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये रिड्यूस होके हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड रिड्यूस होके हो गई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्टली राइट हैंड साइड के इक्वल तो आई नहीं, तो आप क्या करेंगे राइट हैंड साइड को भी लेके सॉल्व कर लेंगे और उसको भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे। तो अब इस एक्सप्रेशन की हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो राइट हैंड साइड हो गई इसकी वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, तो अब इस एक्सप्रेशन को हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर था सेक थीटा माइनस टेन थीटा, उसी से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, सिर्फ इसका जो साइन था वो चेंज कर लिया, माइनस की जगह प्लस हो गया, इसी को हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। ठीक, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये टर्म हो गई सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल अपॉन में नीचे, क्योंकि अभी ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है और वो इक्वल टू वन होती है, तो इसको रिप्लेस करके हमने यहाँ पे वन लिख लिया, तो ये वाला एक्सप्रेशन रिड्यूस होके हो गया sec थीटा प्लस टेन थीटा, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है।
ठीक, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन प्रूव हो गए। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ एक ही रूल के बेसिस पे सॉल्व नहीं हो रहे, इसमें दो तीन रूल्स इन्वॉल्व हैं जो हमने पढ़े थे, ठीक है। तो जनरली होता ऐसा ही है कि एक ही रूल पे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, जितने वो हमारे पास रूल्स थे उनको मिक्स करके क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक। तो अब बात करते हैं फोर्थ रूल पे बेस्ड क्वेश्चन की। जो फोर्थ रूल था उसके हिसाब से कभी कभी हमें एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है, ठीक। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक। उसका कॉन्जुगेट हो गया वन प्लस कॉस थीटा, तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे ये एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इनटू में ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा। इसको फर्दर सॉल्व कर ले तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे ये बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब अगर हम ढंग से देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको फर्दर रिड्यूस करके ये एक्सप्रेशन हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ पे साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये टर्म और रिड्यूस होके हो गई 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसके टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा अलग ले लिया और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अलग ले लिया, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा हो गया कोसेक थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया कॉट थीटा, ठीक। तो ये एक्सप्रेशन हो गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, और ये क्वेश्चन इस टाइप से प्रूव हो गया, ठीक। तो आई होप जिन रूल्स पे आज हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं आपको वो समझ में आए होंगे, और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।